अस्सलाम वालेकुम फोक्स, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डेटा एंट्री कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, उसके बारे में डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। से पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको डेमोंस्ट्रेट किया था एक्सेल कैसा होता, लेआउट, उसका मेन्यू सिस्टम। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो यहाँ पे ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको एक कार्ड मिलेगा, आप देख सकते हैं। बट अगर आपने देखा है वो ट्यूटोरियल, तो चलें आज के प्रोजेक्ट के बारे में, आज के लेसन के बारे में हम बात करते हैं। सो आज के लेसन में हम ये टेबल, इस तरह का टेबल क्रिएट करने वाले हैं। इस टेबल में हेडिंग है, सब हेडिंग है, और इसमें तकरीबन 7 कॉलम्स हैं और 12 रोज हैं। सो और डमी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि नाम है, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन, ईमेल, कंट्री, सिटी। आप इमेजिन करें कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने जो आपके साथ कुलीग काम करते हैं उनका डेटाबेस बनाना है, उनका रिकॉर्ड क्रिएट करना है, तो इस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बड़े इजीली तरीके से उनका रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जो कि इफेक्टिव भी है और दिखने में भी अच्छा लगता है। अगर आपको ये प्रेजेंट करना पड़े किसी को तो आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं। सो ये हमारा आज का प्रोजेक्ट है या हमारा लेसन है आज का। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम टैब में काम करेंगे ज्यादातर आज। जैसा कि मैंने कल पहले इससे पहले वाला जो ट्यूटोरियल है उसमें बताया था कि हम टैब बाय टैब, जैसे कि होम, पहले हम बात करेंगे होम टैब की, फिर हम इंसर्ट, पेज लेआउट। तो आज पहला टॉपिक, पहला लेसन होम टैब के बारे में है। तो होम टैब में हम बेसिकली क्लिपबोर्ड का एरिया यूज करेंगे। क्लिपबोर्ड के एरिया में हम कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट और इवन फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस बहुत ज्यादा यूज हो सकती हैं। तो हम देखेंगे ट्यूटोरियल में कि इन ऑप्शंस को कैसे और कहां पे यूज किया जा सकता है। फिर फॉन्ट सेक्शन यूज करेंगे। फॉन्ट सेक्शन में बेसिकली फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का कलर अगर आपने चूज करना है, और इवन टेबल के बॉर्डर्स, बॉर्डर लाइंस अगर आपको क्रिएट करने हैं तो वो फॉन्ट सेक्शन में आप जाके क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम अलाइनमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा काम करेंगे। अलाइनमेंट सेक्शन बेसिकली यहाँ पे आपको अगर टेक्स्ट को कॉलम के सेंटर में लेके आना है, रो के सेंटर में लेके आना है, या साइड पे लेके आना, राइट और लेफ्ट, तो आप अलाइनमेंट सेक्शन यूज करेंगे। मर्ज, और मर्ज कैसे कर सकते हैं डिफरेंट सेल्स को, तो ये भी हम इसमें देखेंगे कि हम डिफरेंट सेल, जैसे हेडिंग, मेन हेडिंग आपने देखी थी सैंपल प्रोजेक्ट में, कि उसमें कंपनी का नाम है ब्लू कलर में लेकिन वो एक कंप्लीट सेल है, तो वो मर्ज किया हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे कि मर्ज कैसे कर सकते हैं। फिर हम शायद एडिटिंग सेक्शन के भी ऊपर काम करेंगे। तो मे बी हम डेटा फिल्टर करेंगे, हम सॉर्ट करेंगे डेटा, और ये सब चीजें हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और हमारा जो सैंपल प्रोजेक्ट है, सैंपल प्लान है, वो हम क्रिएट करते हैं। सो अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हैं और हम, ये हमारा सैंपल प्रोजेक्ट है जो हमने ट्यूटोरियल के स्टार्ट में देखा था, और ये प्रोजेक्ट अब हम बनाने जा रहे हैं एक्सेल में। सो आप मुझे फॉलो करते रहें, मैं क्या क्या स्टेप लेता हूँ आप उनको फॉलो करते हैं। पहले आप वीडियो देख लें, अगर आप इसको एक्चुअली प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं तो आप पहले, सबसे पहले वीडियो देख लें पूरा, उसके बाद आप वीडियो को रिवाइंड करके आप एक्सेल बुक ओपन करें और आप अपने हिसाब से मुझे फॉलो करके इस तरह का सिंपल प्रोजेक्ट बनाएं। सो मैंने एक और शीट क्रिएट की है, अब हम जाते हैं शीट नंबर 2 में, और सबसे पहला काम मैं ये करना चाहूँगा कि इसका बैकग्राउंड चेंज करूँगा। अभी फ़िलहाल इसमें आप देखें सेल पूरे नज़र आ रहे हैं, सो इसको थोड़ा मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इसका मैं बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पूरी वर्कशीट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। अब मैं अपना कर्सर माउस को फॉन्ट वाले एरिया में लेके आता हूँ और यहाँ पर मैं फिल कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ एरो पे, तो मुझे बहुत सारे कलर्स अवेलेबल मिलते हैं जो मैं चूज कर सकता हूँ सिलेक्शन में।
लेकिन मैं व्हाइट कलर चूज करना पसंद करूंगा। आप अपनी मर्जी का कलर चूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। सो अब हम यहाँ पे जाते हैं वापस, उसमें देखते हैं। एक मेन हेडिंग है, एक सब हेडिंग है, टाइटल और सब टाइटल, और एक टेबल की हेडिंग है, और इसमें 7 कॉलम्स हैं। सीरियल नंबर, मोबाइल नेम, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन, ईमेल, कंट्री एंड सिटी। सो अब हम जाते हैं अपनी वर्कशीट में और इसका स्केलेटन, इसका ढांचा बनाना तैयार करते हैं। तो सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल, लैंडलाइन, ईमेल, कंट्री, सिटी। सो ये हमारी हेडिंग्स होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें डेटा एंट्री करना। सो लेट्स से हम पहला रिकॉर्ड ऐड करते हैं। सो नाम हम डालते हैं मिस्टर एम्प्लॉय 1, क्योंकि मैं ये डमी इंफॉर्मेशन यूज कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं इसी तरह के रैंडम डमी नाम यूज कर रहा हूँ। सिटी के, एम्प्लॉयज के मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल एड्रेस भी डमी इंफॉर्मेशन ही होगा। लेकिन आप जो जब ये टेबल बनाएंगे, आप अपने साथियों का जो आपके साथ काम करते हैं उनका एक्चुअल नाम, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन, कंट्री, सिटी सब आप चूज करेंगे, ठीक है? एक्चुअल आपने यूज करना है। मोबाइल नंबर में हम डालते हैं 030, जो भी है, 1 2 3 4 5 6 7। लैंडलाइन में हम डालते हैं 04, और डमी लैंडलाइन नंबर डालते हैं। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय ईमेल एड्रेस भी हम डमी ही डालेंगे। सो जैसे फॉर एग्जांपल, employee1@email.com। ये ब्लू कलर में इसलिए शो कर रहा है क्योंकि एक्सेल इसको ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर रहा है एज ए ईमेल एड्रेस, इसलिए ये इसका फॉन्ट, इसका स्टाइल पूरा चेंज हो गया। सो अभी देखें, इस पे अगर मैं माउस लेके आऊँगा तो माउस नॉर्मली इस तरह का होता है, लेकिन जब इस पे लेके आऊँगा तो वो माउस का शेप भी चेंज हो जाता है हैंड के शेप में, जो कि इंडिकेशन है कि एक्सेल ने रिकॉग्नाइज किया है इसको एज ए ईमेल एड्रेस। अभी कंट्री का नाम डालते हैं। सो मैं सिंपली डालूंगा माई कंट्री, सिटी में भी मैं डमी इंफॉर्मेशन ही डालूंगा, माई सिटी। अभी आप देखें, नाम, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल, कंट्री, सिटी, ये पूरे टेक्स्ट शो नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि जो टेक्स्ट है उसकी लेंथ ज़्यादा है, उसकी विड्थ ज़्यादा है कॉलम की विड्थ से, तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक तो हम मैन्युअली इसको हम ड्रैग करेंगे तो हमें इसकी विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि हम ये सेलेक्ट करेंगे पूरे फील्ड्स को, ठीक है, पूरे कॉलम्स को, और जब सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर आप कर्सर किसी भी दो कॉलम्स के दरमियान लेके आए, जैसे अभी बी और सी के दरमियान में है, तो यहाँ पे जब कर्सर चेंज हो जाएगा एरो में, तो आप डबल क्लिक करें तो आप देखें इसका जो विड्थ है हर सेल का और कॉलम का, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा उसके टेक्स्ट के विड्थ के हिसाब से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी है जानने के लिए। ओके, अभी चलते हैं, सेकंड रिकॉर्ड ऐड करते हैं। सो मैं टाइप करना शुरू कर रहा हूँ मिस्टर एम्प्लॉय। देखें, क्योंकि मिस्टर एम्प्लॉय 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, इसीलिए एक्सेल हमें सेम रिकॉर्ड देता है, लेकिन हम इसको एडिट कर सकते हैं मिस्टर एम्प्लॉय नंबर 2। सो मोबाइल नंबर, अब यहाँ पे देखें, मोबाइल नंबर हम ऐड कर सकते हैं 030 मैनुअली, ठीक है, जो भी आपको, आप अपने कीबोर्ड पे रिकॉर्ड करें। लैंडलाइन नंबर भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर ईमेल एड्रेस, एम्प्लॉय 1 ईमेल ऑलरेडी उधर है इसलिए हमें एक्सेल वही ईमेल दिखा रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स एक ईमेल एड्रेस 2 एम्प्लॉय का नहीं हो सकता। सो हम इसको चेंज करते हैं employee2@email, सेम योर कंट्री में भी एंड योर सिटी। सो इसका कंट्री सिटी हम चेंज कर देते हैं। अभी क्योंकि मैं सीरियल नंबर के हिसाब से चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर सेलेक्ट करता हूँ दो सेल को, employee1 and employee2, और यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ, आप देखें कर्सर की शेप चेंज हो जाती है फिर ब्लैक कलर के प्लस साइन में। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो आप देखें आपको ये शो कर रहा है मिस्टर एम्प्लॉय 3
ऐड हो जाएगा। तो मैं ड्रैग करता जाता हूँ, इसके नंबर चेंज होते रहेंगे, मिस्टर एम्प्लॉय 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त फंक्शनलिटी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ऑफ कोर्स ये क्योंकि डमी नाम है, सीरियल नंबर है इसमें, तो इसलिए ये मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन रियलिटी में अगर हम कोई नाम चूज़ करें और नाम चूज़ करके हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगी। ये सिर्फ जहाँ पे नंबर्स आते हैं, डिजिट्स आते हैं, वहाँ पे एक्सेल इसको रिकग्नाइज करके डिजिट्स को इंक्रीमेंट करता है जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। सेम यहाँ पे मैं जाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक कॉलम को सिलेक्ट करके ड्रैग ड्रॉप किया था, लेकिन हम दो कॉलम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो देखें, मैं जब ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो इसका भी सीरियल नंबर के हिसाब से इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो एक्सेल में ये बहुत ज़बरदस्त फंक्शनैलिटी है। फिर हम ईमेल एड्रेस, चले हम ईमेल एड्रेस को सेम हम प्रोसीजर से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, देखते हैं अगर इसका 1, 2, 3, 4 होता है कि नहीं चेंज। सो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और देखेंगे कि इसका 1, 2, 3, 4 नहीं होता। इसका जो सीक्वेंस नंबर, एक्सेल किसी वजह से इसको, क्योंकि ये ईमेल एड्रेस है तो इसको सीक्वेंस में इंक्रीमेंट नहीं करके बताएगा आपको। सो इसको हम मैनुअली इनपुट करना पड़ेगा हमें। सो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि इसको हम जो अभी हमने ऐड किया डेटा उसको हम अनडू करते हैं। अनडू करने के लिए दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप अपना माउस लेके आएँ और यहाँ पे अनडू का बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे अनडू हो जाएगा। ठीक है, अंडू हो गया। या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जेड को भी प्रेस करते करेंगे तो देखें वो जो मैंने रिकॉर्ड ऐड किया था वो अंडू हो गया। सो कंट्रोल जेड सेम काम करता है ये अंडू बटन के हिसाब से। ओके, अभी मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और मैं ईमेल एड्रेसेस ऐड करता हूँ, और फिर जब ईमेल एड्रेसेस ऐड हो जाएंगे सब 11 एम्प्लॉयज़ के, मैं उसके बाद दोबारा आता हूँ। चलिए जी, अब ईमेल एड्रेसेस सब एम्प्लॉयज़ के ऐड हो गए हैं। अब हम कंट्री और सिटी नेम को भी सेम मैसे करता हूँ, तो सेलेक्ट करके चारों सेल को ड्रैग ड्रॉप, तो आप देखें इनके भी डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ऑफ कोर्स जब आप एक्चुअल रिकॉर्ड ऐड कर रहे हो तो मे बी सबका एक सिटी नहीं हो या एक कंट्री नहीं हो, तो आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। ओके, नाउ अभी आप हम आते हैं सीरियल नंबर कॉलम पे। सो मैं या तो सीरियल नंबर 3, 4 मैनुअली ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं इनको भी सेलेक्ट करके सीरियल नंबर 1 और 2 को सेलेक्ट करूँगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखिए कर्सर चेंज हो गया है प्लस साइन में, ब्लैक कलर प्लस साइन में। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ऑटोफिल हो जाएगा सब पूरे सीरियल नंबर ये रिकॉर्ड के हिसाब से, जितने रिकॉर्ड होंगे उसमें ऑटोफिल हो जाएगा। दूसरा ये है कि मैं इसको अगेन ड्रैग ड्रॉप करूंगा, हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। सो इट्स अप टू यू, आपकी प्रेफरेंस क्या है उसके हिसाब से आप इसको एक्सेल को परफॉर्म कर सकते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि हमारा स्केलेटन, हमारा ढांचा तैयार हो गया, उसमें हमने डेटा भी ऐड कर लिया है। चले हम अब नेक्स्ट स्टेप जो करते हैं वो है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब ये जो ढांचा स्केलेटन तैयार हुआ है इसके ऊपर थोड़ा सा हम सुर्खी पाउडर लगाते हैं, मेकअप करते हैं इसको, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेबल लगे। ठीक है, सो सबसे पहली फॉर्मेटिंग हम क्या करेंगे कि ये जो टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल हम कॉलम ए में है सीरियल नंबर कॉलम, टेक्स्ट पूरा उसकी अलाइनमेंट राइट साइड को है। सो हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं। सो सेंटर में करने के लिए कॉलम सेलेक्ट करें या फिर सिर्फ जो एरिया है उसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप अपना माउस लिखे अलाइनमेंट में, और ये है सेंटर अलाइनमेंट, इसको आप क्लिक करें तो देखें आप सेंटर में अलाइन हो जाता है टेक्स्ट पूरा। ठीक है, सो ये करना ज़रूरी है, फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी है। अभी मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, कंट्री और सिटी, ये चारों कॉलम में भी टेक्स्ट लेफ्ट साइड की तरफ अलाइनमेंट है। अभी आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि ये बहुत कंजस्टेड है। अगर मैं इसकी विड्थ चेंज करता हूँ दोनों कॉलम्स, चारों कॉलम्स की, फिर आप देखेंगे कि टेक्स्ट लेफ्ट साइड की तरफ है। तो चले हम चेंज करते हैं कॉलम की विड्थ। पहले जो मैंने तरीका बताया था कॉलम विड्थ चेंज करने का, वो ये था कि आप कॉलम को सेलेक्ट करें और डबल क्लिक करें तो इसकी ऑटोमेटिकली विड्थ चेंज हो जाएगी। लेकिन उससे ये होगा कि टेक्स्ट के हिसाब से, जिस
जितना चौड़ाई में टेक्स्ट है उतना ही हिसाब से उसकी कॉलम की विड्थ चेंज होगी, लेकिन हम स्पेसिफिक विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो हम मल्टीपल कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और राइट क्लिक करें जो सिलेक्शन एरिया उसके ऊपर, और फिर हम हमारे मेन्यू में हमें एक ऑप्शन मिलेगा कॉलम विड्थ, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको पूछेगा एक्सेल के आप कितनी कॉलम विड्थ रखना चाहते हैं। तो लेट्स से हम बोलते हैं 16, प्रेस एंटर, तो देखें आप कॉलम विड्थ चेंज हो गई है सारे चारों कॉलम्स की जो हमने सेलेक्ट किए थे, और जैसा मैंने कहा था कि ये टेक्स्ट लेफ्ट साइड की तरफ पे अलाइन है। सो इसकी भी फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको भी सेंटर में करते हैं, सो चारों कॉलम एक ही साथ सेलेक्ट करें ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, और फिर आप अलाइनमेंट सेक्शन में अपना माउस लेके आए और सेंटर कॉलम पे क्लिक करें। तो देखें हमारा जो टेक्स्ट है ये चारों कॉलम में वो सेंटर में हो गया, ठीक है, अभी ये थोड़ा मजीद अच्छा टेबल लग रहा है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि इसके हम बॉर्डर बनाते हैं, अभी इस वक्त बॉर्डर नहीं है पूरे टेबल के, सो बॉर्डर भी बना लेते हैं। सो पूरा स्केलेटन और डेटा सेलेक्ट करें और अपना माउस लेके आए फॉन्ट सेक्शन में, यहाँ पे आप बॉर्डर्स चूज करें ऑल बॉर्डर्स, देखें बॉर्डर्स आ गए हैं, अभी ये ज्यादा अच्छा टेबल बना हुआ लग रहा है। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि जैसे हमने विड्थ चेंज की है कॉलम्स की, इसी तरह हम हाइट चेंज करते हैं रोज की। अभी ये बहुत कंजस्टेड लग रहा है तो ये थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेबल नहीं है, सो हम इसकी हाइट भी चेंज करते हैं। सारे रोज जिसमें डेटा है उसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी रो हाइट, उसको उसके ऊपर क्लिक करें तो आपको इस वक्त रो हाइट शो हो रही है 14.5, लेकिन मेरी जो प्रेफर्ड रो हाइट है वो है 20, सो आप ओके करें। थोड़ा सा मजीद आपको रीड, जो जिसने ये रिपोर्ट रीड करनी है उसके लिए भी ईजी होगा रीड करने के लिए, लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम ये है कि टेक्स्ट अलाइन नहीं है सेंटर में। सो अगर हम इस कॉलम में आए, सेंटर में, इस सेल में आए तो टेक्स्ट नीचे की तरफ है, सेंटर में नहीं है, उसकी फॉर्मेटिंग भी हम कर सकते हैं। सो आप सेलेक्ट करें पूरे कॉलम्स को, रोज को सॉरी, और आप अपना अलाइनमेंट सेक्शन में आए और ये सेंटर मिडल अलाइन पे आप क्लिक करें, तो अभी आप देखें हमारा पूरा टेक्स्ट इस पूरे टेबल में सेंटर अलाइन हो गया, जो कि और ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी टेबल। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम करते हैं हेडिंग। सो ये टेबल की जो हेडिंग है इसको थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर डेटा के हिसाब से, ताकि दिखने में लगे कि ये हेडिंग है। तो हेडिंग के लिए हम सेलेक्ट करेंगे पूरे सेल्स को, जिस जिस की सेल की हेड, जिस जिस सेल में हेडिंग है उसको हमने सेलेक्ट किया, और हम इसको टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं ताकि ये थोड़ा स्टैंड आउट हो, ताकि हमें पता चले कि ये हेडिंग है। तो दो तरीके हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे अपना माउस लेके आए, क्लिक करें बी जो आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक करें, टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। दूसरा तरीका टेक्स्ट बोल्ड करने का, सेम रिजल्ट मिलेगा आप, ये है कि सेलेक्ट करें, उसके बाद आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल बी बटन को प्रेस करें एक साथ, तो आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा दोबारा, ठीक है। सो दो तरीके हैं टेक्स्ट बोल्ड करने की, शॉर्टकट की है और एक आप जो एक्सेल में ऑप्शन दिया गया है वो आप चूज कर सकते हैं। टेक्स्ट बोल्ड हो गया, अब हम इसको थोड़ा सा कलरिंग करना चाहते हैं, यू नो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं। सो इसको हमने सेलेक्ट किया हेडिंग को, दोबारा फॉन्ट सेक्शन में दोबारा आए, फिल कलर ऑप्शन में आए, एरो पे क्लिक किया, और आप अपनी मर्जी का जो भी कलर आप चूज करना चाहते हो आप कर सकते हो, मैं ये ब्लू कलर चूज करूंगा, तो ये जबरदस्त हो गया, ठीक है। अभी अगर हम अपने सैंपल प्रोजेक्ट में जाते हैं शीट वन में, तो हमें इसमें सिमिलैरिटी मिलती है, हमें पता चल रहा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट वो बिल्कुल इनलाइन सैंपल के हिसाब से जा रहा है, एक्सेप्ट इसमें दो चीजें रहेगी, ये अभी हमने हेडिंग और सब हेडिंग, टाइटल या सब टाइटल इसका ऐड करना है, तो चलें वो ऐड करते हैं। अभी हम शीट टू पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम जाएंगे तो देखेंगे कि ये तो डिफरेंट सेल है, इन डिफरेंट सेल्स को हम एक साथ सेलेक्ट करके ये जो मर्ज एंड सेलेक्ट का सेंटर का ऑप्शन है इसको हम क्लिक करेंगे, तो देखें एक बहुत बड़े सेल में
चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चेंज लिख सकते हैं माई कंपनी नेम, ठीक है, सॉरी माई कंपनी नेम। अभी हमने सब हेडिंग बनानी है तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल सी या इधर से आके, और यहाँ आके हम पेस्ट कर सकते हैं या कंट्रोल वी हमारे कीबोर्ड के ऊपर, तो ये कॉपी हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा चेंज होना चाहिए ये टेक्स्ट को। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इसका साइज चेंज करते हैं 18 लेटर से, इसको बोल्ड कर देते हैं, और इसको भी सब हेडिंग को भी हम साइज 14 और इसको भी हम बोल्ड कर सकते हैं। अभी हम इसका हेडिंग जो है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, हावर करते हैं माउस को फिल कलर पे, तो हमारा फिल हो जाएगा कलर। सो हमारा टेबल तकरीबन रेडी है, तकरीबन नहीं, आई थिंक इट्स रेडी। अगर हम शीट वन में जाएं और शीट टू में आएं तो हमें एग्जैक्टली सेम सिमिलरिटी मिलती है हमारे दोनों टेबल्स में, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन, लास्ट जो फीचर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ फिल्ट्रेशन का है। आप इसको सेलेक्ट करें और एडिटिंग एरिया में आए, सॉर्ट एंड फिल्टर पे, और यहाँ पे फिल्टर करें। अभी देखें आपको छोटे छोटे एरो नज़र आ रहे होंगे, तो आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि जो मेरे माई योर सिटी से कितने लोग हैं, तो आप ये एरो को क्लिक करें और यहाँ पे आप सेलेक्ट करें योर सिटी और ओके पे प्रेस करें। देखिए आपका पूरा टेबल फिल्टर हो जाएगा उन लोगों के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ जो योर सिटी के से बिलोंग करते हैं। सो ये फीचर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इसको हम दोबारा से उसी स्टेट में लेके आने के लिए फ़िल्टर पे दोबारा क्लिक करेंगे, फ़िल्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये है हमारा टेबल, उसमें कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे हम टेक्स्ट अलाइन करते हैं, कैसे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है, बैकग्राउंड सेटिंग होती है, ये सब मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में दिखाया। होपफुली उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला हो। आप भी मुझे ऐसा प्रोजेक्ट बना के आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है। आप मेरे ईमेल पे भी सेंड कर सकते हैं, मैं आपका प्रोजेक्ट रिव्यू भी कर सकता हूँ और आपको मज़ीद गाइड भी कर सकता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने ये ट्यूटोरियल देखा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, आप अपना ख्याल रखें। Thank you very much.